दोस्तों थंबनेल देख के डर मत जाना, क्योंकि यह वीडियो का थंबनेल भी ऐसा बनाया गया इसलिए है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे। इस कमेंट में बताया गया कि यार तुम्हारे भी विरोधी तो मुस्लिम है। तब मुझे एक बात ख्याल में आई कि मैं जो हिस्ट्री की वीडियो तो बनाता हूँ, लेकिन लोगों के दिल में ये पैदा हुआ डर, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए नहीं आपको कह रहा कि ये इसलिए मत देखो कि कुछ ना कुछ मिलेगा या हिस्ट्री मिलेगी। कभी कभी हमारी वीडियो पे हमें विचार भी करना पड़ता है, कभी कभी हमारे लोगों को अपने दिल की बात भी पता नहीं पड़ती। और दोस्तों मुस्लिम और जो आदिवासी के विरोधी है ऐसा बताया जा रहा है ना, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और दोस्तों आप अगर मानते हैं कि इंडिया में सच में गलत हो रहा है और इंडिया में ये जो कुछ चल रहा है ये प्रोपेगेंडा के तहत, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो, जो भी मेरा वीडियो है, इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, पूरा वीडियो देख ले। मुझे 100% मालूम है इस वीडियो के बाद आपके दिल में जो भी डाउट होगा वो निकल जाएगा। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलाब्रिति चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, उसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करें। दोस्तों अगर हम बात करेंगे दिल्ली वायलेंस की, जहाँ पे दिल्ली में इतने सारे दंगे हो गए, जब दिल्ली दंगों के इसमें थी तो एक बात हमने नोटिस की कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन जिसने जितनी कुछ वहाँ पे पुलिस प्रशासन कर रहा था, उतनी तकलीफ़ देख के पुलिस प्रशासन के ऊपर हमें दया आती थी, क्योंकि पुलिस का काम ही है कि लोगों की रक्षा करना। लेकिन वहाँ पे पुलिस जो निष्क्रिय हमें दिखी वो भी एक अलग बात है। तो हम दिल्ली वायलेंस पे नहीं जाते, वो क्या हुआ था क्या नहीं, अब अखबार और आपको ये मीडिया तो बता ही रहा है। मैं बात करता हूँ उस जगहों की। दिल्ली में ऐसे कुछ जगह थे जहाँ पे हिंदुओं ने घेरा बनाकर मुस्लिमों को अपने मंदिरों में छिपाया। दिल्ली में ऐसी कई जगह है जहाँ पे मुस्लिमों ने हिंदू के बचाव के लिए अपने पास घेरा बनाकर मुस्लिम खड़े रहे और हिंदुओं को बचाए। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आदिवासी भाइयों, मुस्लिम लोग और हिंदू लोग एक साथ जुटकर इस वायलेंस का, इस दंगे का मुकाबला कर रहे थे। और उनके दिल में एक ही सवाल था, दंगा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ दंगा ये उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस देश को इंसानियत की तरफ ले गए। और मैं ऐसे बहुत सारे बहन भाइयों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हर बार आप यही दिखा देते हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और यहाँ पे देश में रहने वाला सभी लोग यहाँ के अपने भाई होते हैं। तो दोस्तों बात आती है आदिवासी और मुस्लिमों की। मैं आपको बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, शायद वो RSS के लोग होंगे या शायद वो कोई और होंगे, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो बात बोली है मेरे कमेंट में वही मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों कमेंट ऐसे आए थे कि यार बोले आदिवासी लोग तुम जो वीडियो बना रहे हो तो मुस्लिम भी तुम्हारे खिलाफ थे, तुम्हारे राजाओं के खिलाफ थे, तुम्हारे राजाओं के राजाओं को मार डाला या तुम्हारे राजा ने मुस्लिमों को मार डाला, ऐसी वैसी कहानी। तो दोस्तों ये लोग जो होते हैं ना वो इतिहास कम पढ़ते हैं और लोगों के भाषण ज़्यादा सुनते हैं। जो लोग भड़काते हैं, जिन लोगों का एजेंडा ही दंगा है, दंगे के नाम पर वोटिंग मांगना, किसी शाहीन बाग के नाम पे वोटिंग मांगना, इन लोगों का काम है। और इन लोगों के ये स्पीच सुन के ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम सबके दुश्मन है। मैं सभी को बता दूँ, कमलापति की अगर आपने कहानी नहीं सुनी मध्य प्रदेश भोपाल की तो प्लीज़ आप सुन लीजिएगा। कमलापति की कहानी यही बताती है कि वो तो गोंड रानी थी, लेकिन गोंड रानी ने मुस्लिम भाई को भाई माना और मुस्लिम ने उसके अंत तक उसका साथ दिया। ये कहानी उसको भी मानती है जहाँ पे अब्दुल कलाम साहब की कथा पढ़ते हुए, अब्दुल कलाम साहब की स्पीच सुनते हुए यहाँ का हर हिंदू, आदिवासी, बौद्ध आदमी कलाम साहब को अपना आदर्श मानता है। ये वही देश है जहाँ पे बहुत सारे मज़हब एक साथ रहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मुस्लिम राजाओं ने गोंड राजाओं पे, गोंड राजाओं ने हिंदू राजाओं पे, हिंदू राजाओं ने मुस्लिम राजाओं पे चढ़ाई की होगी, कोई जीता होगा कोई हारा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी राजा था वो कभी अपने कौम के बारे में, कौम में डिवाइड एंड रूल गेम नहीं खेलता था। कोई भी राजा हिंदुओं को भी उतना ही, मुस्लिमों को भी उतना ही, आदिवासियों को, बौद्धों को भी उतना ही हिस्सा देता था और उतने ही प्यार से रखता था। ये लड़ाई थी, युद्ध थी, तब भारत देश नहीं था। जिनकी जहांगीर उतनी है उतनी जहांगीर उनका देश होता था। जितनी भी रियासतें हो गई है, रियासतों का एरिया यानी उनका देश।
और उसी मार्फत अपनी रियासत बढ़ाई जाए, दूसरों की कम किए जाए। इस कंपटीशन में युद्ध होते थे हिंदुओं के मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों के बौद्धों के खिलाफ, बौद्धों जो भी होता था। यहाँ पे अगर 258 रियासतें गोंडवाना की थी तो 258 से ज़्यादा आदिवासी के राजा अपने नाम के पीछे शाह लगाते थे। क्यों लगाते थे भाई? अगर मैं नागपुर की बात करूँ, भक्त बुलंद शाह की, तो बुलंद शाह का सरनेम तो ईके है, फिर उसने अपने नाम के सामने शाह क्यों लगाया? शाह इसलिए लगाया क्योंकि जब नागपुर पे कर्जा था, नागपुर के एरिया पे जब कर्जा था, पूरे कर्ज में डूबी हुई थे, और ये भक्त बुलंद शाह राजा बना, उसके सामने एक रास्ता था कि जो भी सामने वाला बड़ा राजा है उससे कर्ज की मुक्ति करना, और उसने यही किया। तो राजा ने शर्त रखी कि आप इस्लाम धर्म ले लो, और प्रजा के हित के लिए उसने शाह लगा ली। और दोस्तों, ये जो बातें हैं ये इतिहास की बहुत अच्छी बातें हैं। हम जो इस्लाम के लोगों के साथ भी बैठते हैं, हम हिंदू लोगों के साथ भी बैठते हैं, हम अपने साथ भी बैठते हैं, हम मुस्लिमों के दरगे पे भी जाते हैं, और मुस्लिम भी हमारे मंदिर आ सकते हैं। यही तो भारत की रीति परंपरा है, और ऐसे परंपराओं को ठेस पहुँचा जा रहा है। आपने अगर दिल्ली वायलेंस देखा है तो दिल्ली वायलेंस में एक बात सामने आती है हमें सभी के सामने, एक बात यह है कि मानवता का गला घोटा जा रहा है। यहाँ पे जिसमें इंसानियत नहीं है वैसे आदमी आजकल अपने अहदे पे बैठ के इस देश को दंगे के रूप में तब्दील कर रहे हैं। एक देश में एक ऐसा वातावरण फैलाया जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ यानी हिंदुत्व के खिलाफ। भाई, भाजपा एक पार्टी है, हम हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसी पार्टियों के खिलाफ है जिनको लगता है कि दंगा ही बहुत बड़ा है, और दंगे को लेकर पुलवामा अटैक उसको लेकर वोटबाजी चली। और आज जब उनको लग रहा है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए वो लोग आए थे, जवान लड़कों का, युवा लड़कों का ब्रेन वॉश किया गया, और युवा लड़कों के वोट के जरिए वो चुन के आए थे, आज उनको ही लग रहा है कि पूरी सोशल मीडिया उल्टी हो गई। आज उनके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं, आज हर गांव का लड़का उनके बारे में बात कर रहा है। तब उनको लगता है कि हम वो सोशल मीडिया छोड़ देंगे, और सोशल मीडिया छोड़ने से ये कुछ होने वाला है। जिसकी कुर्सी सोशल मीडिया ने बनाई है उसकी कुर्सी भी लौट आएगी सोशल मीडिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, और सत्य है वो बरसों तक चलता है। आदिवासी और मुस्लिम भाइयों का कभी भी झगड़ा नहीं था। रियासतों की बात होगी तो वो इतिहास में कहीं दफन हो गई है, लेकिन आज मुस्लिम भाई और आदिवासी भाई एक है। और अगर NRC और NPR की अगर बात करें, और देश में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन के तहत अगर बात करें, तो आदिवासी भाई, जितना मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है उतना ही आदिवासी भाइयों को प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आदिवासी भाई भी ऐसे लोग हैं जिनको छोड़ा जा रहा है, जिनको आदिवासी जंगली नरभक्षक कहते हैं। आपको मालूम है मुंबई और पुणे जैसे एरिया में अगर आदिवासी शब्द उछाला जाए तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो आदमी को भी खाते थे आदिवासी लोग, आदमी को मार के नरभक्षक थे हम लोग, ऐसा सुनाया जाता है। उन्होंने सिर्फ आदिवासी नाम सुना है, आदिवासी का कल्चर कभी देखा नहीं, इसलिए उनकी बातें आती है। इसलिए मैं अपने चैनल पे हर वो वीडियो बनाता हूँ जो आदिवासियों के लिए अच्छा हो, आदिवासियों की संस्कृति बताता हो, रीति बताता हो, परंपराएं बताता हो। अपने दिल की बात आज आपसे करने की इच्छा हुई और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लगा मुझे? ऐसा इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि देश में जो कुछ चल रहा है ना वो इंसानियत के खिलाफ है, ना कि संविधान। तो संविधान को हर नज़र से बदला जा सकता है, और इनकी कोशिश चालू है, लेकिन फिर भी मानवता के और इंसानियत के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं, और इसी का हमें डर है। तो दोस्तों, मैं सभी को निवेदन करता हूँ कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि लोकतंत्र बचा रहे, यहाँ पे सभी धर्म संभव रहे, तो प्लीज़ यार ऐसे दंगे करने वाले लोगों से तो दूर रहो। जो भी आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे भड़काते हैं उनसे दूर रहो। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे कि तुम भी भड़का रहे हो। दोस्तों, ये भड़काना नहीं है, ये सोए हुए आदिवासियों को जगाना है, क्योंकि बहुत वक्त हो गया, 21वीं सदी लागू हो गई, और आदिवासी कहीं हमारे लोग जिनके पास ज़्यादा तो पढ़ते नहीं है, लेकिन आदिवासी लड़कों के पास मोबाइल होता है, और मोबाइल होता है तो यूट्यूब होता है, और इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना कि यूट्यूब के ज़रिए मैं उन लोगों को बताऊँगा, यूट्यूब के ज़रिए हर आदमी घर में बैठ के मुझे देख सकेगा, मुझे सुन सकेगा, और अपनी सच्चाई जान सकेगा। तो इसीलिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर इस देश को आबादित रखना है, इस देश का प्रजातंत्र अच्छा रखना है, तो ऐसे धर्मांध लोग जो धर्म के नाम पर अपने वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं, और दंगों के नाम से वोट लेते हैं,
ऐसे लोगों से दूर रहिए। और आप खुद हमारे वीडियो देखने के बजाय, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो देखें, आप खुद संविधान को पढ़िए। मैं यही बता रहा हूँ कि पुराने ग्रंथों को पढ़ने के बजाय आप संविधान को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को, बिरसा मुंडा को, अब्दुल कलाम को समझिए, तब जाके आप में क्रांति आएगी। और दोस्तों ये क्रांति है नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना, अभी जो चल रही है वो आने वाले 20 सालों में इस इतिहास को पढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी क्रांति हुई थी क्योंकि अंग्रेजी हमें गुलाम नहीं बनाए, अंग्रेज तो बाद में आए। और इतिहास ऐसा भी बताता है कि वास्को डी गामा जिसने भारत में आया और तभी से बाकी लोग आने लगे, ये जो बात है, तो एक इतिहास ऐसा भी बताता है कि वास्को डी गामा को भी हमारा देश दिखाने वाले हमारे आदमी थे। जब बात आती है ना अंग्रेजों की, तब अंग्रेजों को लाने वाले भी हमारे लोग थे। अंग्रेज तो आए थे, उन्होंने व्यापार किया यहाँ पे रह के, और व्यापार करने के बाद अंग्रेज चले जाने वाले थे, लेकिन उनको रोका किसने, उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया किसने, क्यों जंग छेड़ी गई। और जब इनकी बातें अंग्रेज मानने ना लगे तो फिर विद्रोह हो गया। और उसके पहले जब विद्रोह होता था तो वो किसी इतिहास में नहीं है। यहाँ पे आदिवासी भाई, मुस्लिम भाई, बौद्ध भाई अपनी जान गंवा चुके हैं। भीमा कोरेगांव का अगर आप नाम सुने हैं तो किसके ऊपर लड़ाई थी? आपको लगता है कि बौद्ध भाई ने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई दी? बौद्ध भाइयों ने उनके खिलाफ लड़ाई दी जिन्होंने बौद्ध भाइयों को, ऐसी लोगों को यहाँ पे बहुत नीच वागणूक दी। और सही है, जो लोग हमारी परछाई भी सहन नहीं करते थे वो लोग आज हमारा राज कैसे सहन करेंगे? इसलिए तो ये सब चल रहा है। मैं सभी भाइयों को निवेदन करता हूँ, अगर भड़काने वाले लोग, अगर तुम हिंदुत्व के विरोध हो, हम इसके बारे में बोलने वाले लोग अगर आपको मिल जाए तो प्लीज़ उसको समझाइए। इस देश को जितनी ज़्यादा धर्म की ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है। और अगर हम जैसे युवा एक साथ हो जाए तो प्लीज़ हम कुछ ना कुछ कर सकेंगे। मैं सभी भाइयों को लास्ट की बात बताता हूँ कि भाइयों, अगर इस देश में हमको रहना है, प्रजातंत्र बनाना है, तो एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ, अपने धर्मों के साथ रहना पड़ेगा और मिलके रहना पड़ेगा। आपका जितना अधिकार है उतना हमारा भी अधिकार है। दंगे से कुछ नहीं होता भाई, दंगे से सिर्फ जान जाती है और अराजकता का माहौल पैदा होता है। मैं सभी को निवेदन करूंगा, और यहाँ पे भी रायता फैलाएंगे कुछ लोग तो मैं उनको बता दूँ, मुझे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सभी को जागरूक करता रहूँगा इस लोगों के खिलाफ। इस देश में जो भी आज चल रहा है उस लोगों के खिलाफ मैं लोगों को जागरूक करूँगा, जो करना है कर ले। चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय सेवा, जय गुणवाना, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम।